ओके ओके विद्या ज्योति कंप्यूटर एजुकेशन, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसे जरूर देख लीजिए, ठीक है? तो चलिए विंडोज मूवी मेकर ओपन करते हैं। ये रहा हमारा मूवी मेकर, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। आज हम लोग कुछ फोटोज, कुछ वीडियोज को ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और उसमें कुछ इफेक्ट डालेंगे, कुछ एडिट भी करेंगे। जैसे मान के चलिए मैं जाता हूं यहां पे ऐड वीडियोज एंड फोटोज, ठीक है ना? मैं बार बार कहता हूं कि जो मैं समझा रहा हूं वो ध्यान से समझिए और घर पर प्रैक्टिस कीजिए, और फिर उस प्रैक्टिस फाइल को ग्रुप में जरूर भेजिए, है ना? जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, देखिए आप क्या कीजिएगा, आप गूगल से ना, गूगल से कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? स्क्रीन रिकॉर्डर आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए वो देखिए, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए और स्क्रीन रिकॉर्डर स्टार्ट रखिए, और फिर उस वीडियो का जो लिंक है हमें शेयर कीजिए। पहले आप उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिएगा, और यूट्यूब पर अपलोड करना कोई ये हार्ड काम है नहीं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले अगर हमें वीडियोज या फोटोज को इंसर्ट करना होता है तो हम लोग होम में जा करके एड वीडियोज एंड फोटोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, या फिर यहां पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, है ना, यहां पे, यहां भी आप अगर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका माई कंप्यूटर खुल जाएगा। तो मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं, खुल गया। अब मान लो मैं कोई वीडियो यहां पे इंसर्ट करता हूं, ठीक है? ये हमारा वीडियोज है, ठीक है? अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे ध्यान से देखो, तो यहां पे देखो ऐसे 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 करके ये देखो यहां पे वेव लगा हुआ है, ऐसे से लगा हुआ है ना इस वीडियोस में, क्योंकि यहां पे मैं भी दिखाता हूं आपको कहां पे है व्यू। व्यू देखो ये वेव फॉर्म्स ये ऑन है। अगर मैं यहां दोबारा क्लिक करता हूं, ये आइडियो के लिए होता है, ठीक है? जैसे जैसे आइडियो का साउंड बढ़ता है घटता है ना, उसी तरह से वेव फॉर्म्स जो है वो ऐसे ऐसे इंडिकेट करता है। देखो यहां पे ये शो भी कर रहा है, तो मैं क्या करता हूं इसको ऑफ करता हूं, ये ऑडियो के लिए होता है। तो मैंने ऑफ कर दिया तो वो वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब यहां दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। खैर इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब मैं इस वीडियो को प्ले करता हूं जो मैंने पहले बनाया था, ठीक है? तो मैंने इसको प्ले किया, मैंने पिछले वीडियो में आपको बना करके दिखाया था ये चीज, है ना? मैंने पिछले वीडियो में ये बना करके आपको दिखाया था, ठीक है? अब मान के चलिए हमें क्या करना है, इसमें यह लिखना है, इस वीडियो में हमें यह लिखना है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, या कुछ भी आपको कैप्शन लगाना है इस वीडियो में, क्योंकि अगर हम वीडियो एडिट करेंगे तो कैप्शन तो लगाना ही पड़ेगा। तो कैप्शन लगाने के लिए हम जाएंगे होम में और यहां से क्लिक करेंगे कैप्शन, है ना? कैप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही कैप्शन पे क्लिक करेंगे तुम्हारे पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो हम यहां पे लिखेंगे, है ना? जैसे मान लो कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूं और फिर उसके बाद उस वीडियो को मैं एडिट करना चाहता हूं विंडो मूवी मेकर के जरिए, है ना? तो जब हम उसको एडिट करेंगे तो ये तो कंफर्म है कि वीडियो को कट करेंगे, है ना, उसमें टेक्स्ट को ऐड करेंगे, हम लिखेंगे कि भाई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये सभी चीजें हम लोग उस वीडियो में जरूर लिखेंगे, है ना? तो मैं यहां पे लिखता हूं अगर वीडियो अच्छा लगे, है ना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, है ना, तो लाइक जरूर करें। हमने लिखा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मैं इसको बोल्ड करता हूं, इटैलिक करता हूं, ठीक है? अब वीडियो को प्ले करता हूं, तो देख रहे हो ये जो टेक्स्ट है
वो बहुत देर तक रहता है। तो मैं क्या करता हूं, इस टेक्स्ट को ना नीचे करता हूं, नीचे मैं यहां पे साइड में रख देता हूं। मैंने साइड में रखा है ना, मैंने टेक्स्ट को साइड में रख दिया। अब ये देखो, ध्यान से देखोगे तो ये जो टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वो 0 सेकंड हो रहा है, लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है वो 7 सेकंड है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसकी ड्यूरेशन मैं कम कर दूंगा, ठीक है, इसकी ड्यूरेशन मैं कम कर दूंगा। तो मैं कर दूंगा 3 सेकंड, हो गया। अब मैं वीडियो को प्ले करूंगा, वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। लेकिन इस टेक्स्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं डाला हुआ है, तो मैं इस टेक्स्ट में इफेक्ट डालूंगा यहां से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अब 3 सेकंड के बाद मैं कुछ और ऐड करूंगा, हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और फिर से मैं कैप्शन पे क्लिक करूंगा और शेयर भी करें। साइज को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं और इसको मैं कर देता हूं फिर से यहां, ठीक है, यहां कर देता हूं, ऊपर से ऐसे करता हूं नीचे, हो गया। अब यहां पे इस पे भी कुछ इफेक्ट डालते हैं हम लोग, ये वाला। अब मैं प्ले करके दिखाता हूं आपको, ठीक है, ये वाला इफेक्ट देखो यहां से। अब फिर से क्या करता हूं, और शेयर भी करें और देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। या इसमें क्या है, ये जो आपने ये आपका देखो, ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपने एक टेक्स्ट को ऐड किया है और यहां पर भी एक टेक्स्ट को ऐड किया है। तो आप इस पे क्लिक करो सेकंड वाले पे और ध्यान दो यहां पे कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 सेकंड होना चाहिए। आपको जितना रखना रखिए, लेकिन आपने पहले वाले टेक्स्ट में ड्यूरेशन को 3 सेकंड किया है, तो सेकंड वाले टेक्स्ट में भी ड्यूरेशन को 3 सेकंड ही रखो तो ही बेहतर होगा, ठीक है ना। तो मैं करता हूं यहां पे 3 सेकंड, इसको चेंज नहीं करना है, स्टार्ट टाइम सही है। अब मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है, हो गया। और फिर मैं यहां लिखता हूं नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं फिर से कैप्शन पे क्लिक करूंगा और यहां लिखूंगा नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल, ठीक है, ये गलत हो गया, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कर दिया हमने। अब मैं इसको यहां पे रख देता हूं, साइज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और मैं इसको इधर ऐसे रख देता हूं और ऊपर से नीचे लाता हूं और इसको नीचे ऐसे कर देता हूं और ऐसे ऐसे, ठीक है, सही है, इतना सही है, ठीक है। अब मैं इसमें फिर से कोई इफेक्ट डालता हूं। अब इफेक्ट आपके पास बहुत सारे इफेक्ट है, तो इसमें ये वाला इफेक्ट लगाना, ये इफेक्ट। अब वीडियो को प्ले करके देखो, हाँ, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो कर दो आप 3 सेकंड, ठीक है, टेक्स्ट ड्यूरेशन 3 सेकंड करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बता दीजिएगा, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं। लैपटॉप में कर सकते हैं सर, डेस्कटॉप में कैसे करें, सब में कर सकते हैं आप लोग। ओ हाँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक छोटा सा माइक ले लो यार, बोया का, ठीक है, बस थोड़ा सा पैसा आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा आपका, ठीक है। अब मैं वीडियो को प्ले करता हूं शुरुआत से, हो गया, हमने यहां तक कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, प्रोजेक्ट में आईडियो, ठीक है, ये विजुअल इफेक्ट नहीं, ठीक है, इसमें विजुअल इफेक्ट नहीं डालेंगे। अगर आप विजुअल इफेक्ट डालोगे देखो कैसा हो जाएगा, देखो
ये ब्राइटनेस है यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, ये विजुअल इफेक्ट अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, देखो ऐसे ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, ले करके देखो। हमने विजुअल इफेक्ट डाल दिया इसमें, और भी कुछ डालेंगे यहाँ पे, और भी टेक्स्ट ऐड होगा। नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद करेंगे और धन्यवाद लिखेंगे हम लोग कैप्शन में, जैसे वो सब्सक्राइब कर लेगा तो यहाँ पे हम लोग और भी कैप्शन को ऐड करेंगे, कैप्शन और यहाँ पे थैंक्स लिख देंगे यहाँ पे थैंक्स, और इस और इसमें कुछ अलग इफेक्ट डालेंगे, इसकी स्टाइल को यहाँ बदल देंगे और साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, और ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करता हूँ, और इसमें अलग हम लोग एनिमेशन ऐड करते हैं। ये सही है, अब प्ले करके देखो, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। आप शुरुआत से क्लास कर लीजिए पिंटू जी, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो शुरुआत से क्लास कीजिए। ये हमारा तीसरा वीडियो है, दो वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, आप अपने क्लास में जाकर के देख लीजिए। इसकी जो ड्यूरेशन थी ना वो ज्यादा था, तो ड्यूरेशन आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है ये 7 सेकंड है तो आप इसको 3 सेकंड कर दो, ठीक है, तभी ये कर दिया। अब मान लो कि आपका अब आपका काम कंप्लीट हो गया, यानी इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, तो जब आपको कुछ भी नहीं करना है तो इतना वीडियो फालतू में है, इतना वीडियो इधर वाला जो है वो फालतू में है, बिकॉज आपका काम यहां से यहां तक था जो आपने कंप्लीट कर लिया, इतने भाग को हमें हटाना है, तो हटाने के लिए हम इसको स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो आपका जो यहाँ पे ये जो आपका कर्सर है, देखो यहाँ पर है ना, ये यहाँ पे लाइन है ऐसे, है ना, तो आप क्या करो, अब आप कुछ भी करोगे, जैसे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे मैं कर दूंगा यहाँ से स्प्लिट, ये ट्रिम भी है, आप ट्रिम भी कर सकते हो, ट्रिम द वीडियो टू हाइड एनी अनवांटेड पार्ट्स। दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्प्लिट एंड ट्रिम टूल्स में डिफरेंट समझते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है वो पहले आप समझ लीजिए। मान लीजिए आप यहां से लेकर के यहां तक वीडियो रखना चाहते हैं और बाकी का जो ये जो भाग है आप उसे हटाना चाहते हैं, तो इस स्थिति में आप इसको क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, है ना। तो मैं करके दिखाता हूं, मान के चलो देखो ये हमारा कर्सर है, मैं इसको यहां से यहां तक लेकर के आता हूं, ठीक है, मैंने यहां रख दिया, अब मैं इसको कर दूंगा स्प्लिट, तो क्या हो गया, ये दो भाग में बढ़ चुका है, ये दो भाग में बढ़ चुका है। इसमें आप अलग इफेक्ट लगा सकते हो, इसमें आप अलग इफेक्ट लगा सकते हो। स्प्लिट करने से फायदा ये होता है कि ये दो भाग में बढ़ जाता है, अब चाहो तो पहले भाग को फिर से दो भाग में बांट सकते हो और दूसरे भाग को फिर से आप दो भाग में बांट सकते हो, और फिर सारे भागों में आप अलग अलग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने इसको स्प्लिट किया है तो आप किसी भी एक भाग को वहां से रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो कीबोर्ड में डिलीट बटन दबा करके। तो मान लो कि मेरे को बस यही काम था, यहां से लेकर के यहां तक बस इसी को मेरा जो है से बस कि इसी को रखना है, मेरे को सिर्फ इसी को रखना है, बाकी ये वाला जो भाग है हमें इसको नहीं रखना है, इसको हमें डिलीट कर देना है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा और कीबोर्ड में डिलीट बटन दबा दूंगा, तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रिम टूल्स की, तो ये क्या करता है, मान लो कि आप कोई वीडियो शूट कर रहे हैं और उसमें कुछ गलतियां हो जाती है, आपने स्टार्टिंग में कोई गलतियां कर रखा है या लास्ट में आपने कोई गलती कर रखा है, तो आप उसे हटाना चाहते हैं, जो गलतियां आपने करा है वीडियोस में अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो इस स्थिति में आप ट्रिम कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूं, मान लो कि मैंने यहां पे क्लिक करा, मैंने ट्रिम पर क्लिक करा, अब जैसे ही मैंने ट्रिम पे क्लिक करा तो हमारे पास आता है सेट स्टार्ट पॉइंट सेट एंड पॉइंट, आपको कहां से ट्रिम करना है और कहां तक ट्रिम करना है, वो दो आपको यहां पर ऑप्शन चूज करना होगा।
तो देखो अगर हम यहां पे लिखेंगे कि भाई हमें 10 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड तक ट्रिम करना है, तो ये कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है, हमें थोड़ी ना पता है कि कहां से कहां तक हमने गलतियां कराए। तो इससे बेहतर होगा कि आप यहां ना यूज करके आप नीचे यूज करो, ये वाला ऑप्शन यूज करो। इससे ये पता चलेगा कि हमें कहां से कहां तक हटा देना है। देखो मैं करके दिखाता हूं। जैसे मान लो कि ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है और ये आपका लास्ट ऑप्शन है ना, ये स्टार्ट और ये एंड और ये आपका प्रीव्यू है। आप यहां से इसको प्रीव्यू कर सकते हो। देखो ऐसे, तो मैं क्या करता हूं, सिंपल सा, मैं यहां से इसको यहां से उठा करके यहां से ये जो स्टार्टिंग में है ना, वेलकम टू AIO कंप्यूटर जॉन, तो मैं यहां तक इसको यहां तक लाता हूं, ठीक है। यानी कि न्यू ऑफर से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट होगा, न्यू ऑफर से, यहां से न्यू ऑफर से, ठीक है। अब यहां एंड में देखो, एंड में है और चेक वीडियो डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहां से इसको यहां हटाता हूं, यानी कि वीडियो डिस्क्रिप्शन मैंने हटा दिया। अब क्या होने वाला देखिए, यहां पे शेप ट्रिम, तो जो मैंने ट्रिम करा वो मैं सेव करता हूं। मैंने क्या क्या शुरू में वहां पे किया था, स्टार्टिंग में वेलकम टू हटा दिया और लास्ट में मैंने चेक डिस्क्रिप्शन, वो दोनों को किया। लेकिन होगा क्या वो देख लीजिए, मैंने कर दिया सेव ट्रिम। अब मैं शुरू से वीडियो प्ले करता हूं, क्या हुआ देखो, जो स्टार्टिंग में था वेलकम टू AIO कंप्यूटर जॉन वो हट चुका है, जो हमने उसको ट्रिम किया था, डायरेक्ट न्यू ऑफर से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट में था चेक डिस्क्रिप्शन, वो भी हट चुका है। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, किसी भाग को यहां पे ट्रिम कर सकते हो। अब मान लो कि मैं इसको डिलीट कर देता हूं और कोई और वीडियोस मैं यहां से इंसर्ट करता हूं। सपोज मैं वीडियोस पे क्लिक करता हूं और एक शॉर्ट वीडियोस मैं यहां से अपलोड कर देता हूं, जो कि शॉर्ट हो ये 14 मिनट का मैं इंसर्ट करता हूं। अब मान के चलो मैं इसको क्या करता हूं ट्रिम, अब मैं यहां से लेकर के यहां इतना जो भाग है, इतना भाग है ये हमारा हटाना है, और फिर ये वाला यहां अब मेरे को इतना हटाना है, तो क्या होगा कि ये वाला और ये वाला हट जाएगा और बाकी जो ये बीच में बच रहा है वो ही रहेगा। तो मैं क्या करूंगा सेव ट्रिम्स, तो देखो शुरू से प्ले करके देखो क्या होगा, बटन दबाना है और इसको चेक करना है, तो डायरेक्ट बीच से प्ले हो रहा है, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में कुछ भाग और लास्ट वाला कुछ भाग मैंने उसको ट्रिम कर दिया है। तो ऐसे आप कर सकते हो, है ना। या वीडियो का स्पीड बढ़ाना है तो स्पीड देखो बढ़ा सकते हो, देखो ये 32x हो गया यार, इतना फास्ट। हुआ क्या, मैं आपको दिखाता हूं यहां पे इसका जो, और देखो यहां पे 0.125x प्ले करता हूं, थोड़ा सा और करता हूं 1x, ये वाला, ये क्या करके देखो बस, बाकी तो ये सब अलग है। देख रहे आप ट्रांजिशन का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में ये मेरी वॉइस है, लेकिन इसको ऐसा कर दिया क्योंकि हमने स्पीड को चेंज किया था, ये एक्चुअल में मेरा ही वॉइस है। और एनिमेशन ऐड करना है तो आप यहां पे क्लिक कर देना इस इमेज पे, और फिर आपको यहां से ऐड जाना है, और बाकी जो एडवांस ऑप्शन है ये हम लोग सीखेंगे। ये है ना मेरी वॉइस, ये सब आपको टेक्स्ट में समझ आएगा। ये बहुत फास्ट है। ATX, ये तो पता ही नहीं चला इतना फास्ट है, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो हमने लगभग सारे ऑप्शन को क्लियर कर दिया है विंडोज मूवी मेकर में। अगले दिन से हम स्टार्ट करेंगे BSDC वीडियो एडिटर, उसके बाद फिलोमोरा, ठीक है ना।
तो आप घर पर ट्राई करते रहिए, और जो आप ट्राई करते हो उस वीडियो को सेव करके यूट्यूब पे अपलोड कीजिए या ड्राइव पर अपलोड कीजिए, और उसका लिंक ग्रुप में शेयर कीजिए, बाकी के जो लोग हैं वो देखेंगे और मैं भी देखूंगा कि आपने किस तरह का वीडियो एडिट किया है, ठीक है ना।